नेक्स्ट देखो, ये कहता है ये ब्लॉक मास 10 केजी प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। समझना इधर क्वेश्चन, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर मैंने 10 केजी का ब्लॉक रखा, ठीक है, 10 केजी का ब्लॉक रखा और ये सरफेस कैसा आया, रफ है, ठीक है, ये रफ है जिसपे 10 केजी का ब्लॉक रखे और इस पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू प्रेजेंट है। म्यू कितना है, तो म्यू है 0.5, ये है म्यू 0.5 है। इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन इज एक्ट देन एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक। अब इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग गया जिसकी वैल्यू 100 न्यूटन है, ठीक है, तो 100 न्यूटन। अब ब्लॉक का एक्सलेशन निकालना, समझना, एक ब्लॉक है इस तरह से रखा हुआ है, अगर उस पर एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन हमेशा लगता है, फ्रिक्शन उस पर हमेशा लगता है, तो ये एक्सलेट कितने से करेगा। ऐसा नहीं कि लग के हट गया यार, तब तो लग के हट जाएगा तो सिर्फ फ्रिक्शन ही काम करेगा तो रुक जाएगा, एक कांस्टेंट एक्सलेशन से एक्सलेट कर रहा है। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो फोर्स माइनस फ्रिक्शन क्या बना, बोलो, एम ए, यही तो ये चाहिए हमें। फोर्स इस पे कितना लग रहा है, 100 न्यूटन, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन, ठीक है, और ये आ जाएगा एम ए, तो 100 न्यूटन और माइनस फ्रिक्शन म्यू एम जी आ जाएगा, दैट इज द एम ए। तो एक्सलेशन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस म्यू की वैल्यू 0.5 और मास ब्लॉक का दिया हुआ 10 केजी, जी की वैल्यू 10 ले लो और डिवाइड कर दो मास 10 केजी से, तो ये पॉइंट ए पॉइंट खत्म हो गया, जैसे 50 मतलब 50 100 में से 50 या 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सलेशन है जो कि जिससे ब्लॉक चल रहा है, ठीक है ना भाई। अगर इतने से कंटिन्यूस चलेगा तो वो उस पर कॉन्स्टेंट फोर्स हमेशा लग रहा है, अगर दोनों हट जाएंगे तो एक्सलेशन जीरो हो जाएगा,